इस रेमेडी को आपने सोने से पहले अप्लाई करना है ताकि पूरी रात आपकी स्किन पर जो मॉइस्चर है वो लॉक रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग के साथ हैंड एंड फीट से रिलेटेड एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ। एक ऐसा वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र हम बनाने वाले हैं जो कि महंगी से महंगी ब्रांडेड क्रीम को भी आसानी से टक्कर दे सकता है, बशर्ते कि आप इसको रेगुलर तरीके से यूज़ कीजिए। सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से हम इस रेमेडी को तैयार करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर फटाफट से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वाइटनिंग लोशन का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेने कोशिश करें, लाइट वेटेड ले लें। यहाँ पे मैं नेविया यूज़ कर रही हूँ, आप पॉन्ड्स की भी यूज़ कर सकते हैं, तिब्बत लॉन्ग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या कोल्ड क्रीम जो होती है। इवन आप कुछ भी नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना बना रही हूँ कि मैं एक दफ़ा यूज़ कर सकती हूँ हाथों पैरों पर। इस मॉइस्चराइज़र को, इस लोशन को आप स्टोर भी कर सकते हैं एक महीने तक, बट मेक श्योर आपने इसको फ्रिज में रखना है। सारे इसमें रेडीमेड इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ ताकि इसको हम स्टोर कर सकें। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें चले जाएगा हमारा प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल। यहाँ पर फ्रेश प्लांट वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि वो पानी छोड़ देगा और आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, इसमें सारी चीज़ें हम रेडीमेड यूज़ करेंगे, तो जितनी मैंने क्रीम ली थी, मॉइस्चराइज़र लिया था, उतनी ही अमाउंट पे मैं प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। क्योंकि ये वाइटनिंग क्रीम और वाइटनिंग लोशन हम बना रहे हैं, तो इसमें दो वाइटनिंग कैप्सूल्स मैं ऐड कर दूँगी कट करके। लास्ट इंग्रेडिएंट काफ़ी पावरफुल होने वाला है, हम यूज़ करने वाले इसमें ग्रिसलीन। जितना हमने मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा जेल डाला था, उतनी ही अमाउंट में हम यहाँ पर ग्रिसलीन ऐड कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग का ही सारा कमाल है। यानी इंग्रेडिएंट तो सारे हैं ही ज़बरदस्त, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे ना और बहुत प्रॉपर तरीके से, तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स करेंगे। रेमेडी को आपने सोने से पहले यूज़ करना है ताकि देर तक मॉइस्चर आपका मेंटेन रहे स्किन पे। यहाँ पर जो मैंने ग्रिसलीन यूज़ की है, ये जितने भी आपके रिंकल्स और फाइन लाइन्स हो जाते हैं आपके हाथों पैरों पे, उसको ये ख़त्म कर देगा। डलनेस जो हो जाती है उसको भी ये रिमूव करेगा। वाइटनिंग कैप्सूल से 1 टोन लाइटर हो जाएगी आपकी स्किन। क्रीम यहाँ पर जो मैंने मॉइस्चराइजर लाइट वेटेड यूज़ किया है, ये एक टेक्स्चर देगा आपकी ये जो DIY बेस्ड क्रीम है। और एलोवेरा जेल सूदिंग इफेक्ट देगा स्किन पर, एक प्यारा सा ग्लो दे देगा। और इस रेमेडी को आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना विद इन वीक, इंशाल्लाह बहुत प्यारे रिजल्ट्स आपको देगा। और आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा मेरे साथ इसके जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू रेमेडी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।